नमस्कार दोस्तों, सुधा नेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 बीएससी आज हम दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे, तो शपथ है वीडियो पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो इसमें आपको क्रोम का एक 3D एनवेलप दे रखा है, जिसमें आपको जो फ्रंट वायरिंग है पूरी तरह से चेंज कर रखी है, और फ्रंट का लुक है वो थोड़ा ब्रॉडर कर दिया गया है। इसकी जो फ्रंट लाइट है वो पैशन प्रो के लुक में आ गई दोस्तों। और जो लोग कहते थे इसमें से जो लाइट का थ्रो है वो डाउन शिफ्ट होता था, अब इसको अप शिफ्ट कर दिया गया है लाइट का थ्रो। इसके इंडिकेटर टोटली चेंज कर दिए गए दोस्तों। ये न्यू हीरो का पेटेंट इंडिकेटर लॉन्च हुआ है दोस्तों। इसके जो इंडिकेटर है वो थोड़े कर्वी लुक में, और जो डिफॉकर्स है वो इसको एकदम इनहेंस लुक देते हैं। होंडा एसपी में आपको फ्रेश न्यू टाइप की एलईडी लाइट देखने को मिलेगी, जो काफी जो एट्रैक्टिव लगती है। सेक्शन में इसका जो इंजन प्रोड्यूस करता है 10.7 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है, 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क, और इसका जो नेटवेट है इस गाड़ी का 122 केजी है दोस्तों। हल्के फुल्के लोग इसको नहीं चला पाएंगे। नेटवेट क्वांटिटी में नेटा बेटा कांट टी पर स्प्लेंडर नेटा बेटा कांट टी। इस गाड़ी को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि इसके पीछे जो होता है बहुत भारी गाड़ी होती है दोस्तों। इसके पीछे अंदर पूरा लोहा ही लोहा। होंडा एसपी 125 में आपको 10.8 पीएस की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। एसीजी स्टार्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटल्स में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले आपको इसमें जो क्रोम की फिनिश देखने को मिलती थी, अब इसको थोड़ा डार्क सिल्वर की फिनिश देखने को मिल रही दोस्तों, जिससे आपको गांवपन का फील तो नहीं होगा, अब आपको शहरपन का फील होगा। गांव में जो फॉर्च्यूनर उचन लेते हैं सब, वो कहते हैं कि टाटा सफरिया क्रोम की गाड़ी या टाटा सफरिया की गाड़ी या टाटा सफरिया। दोस्तों, आपको होंडा एसपी 125 में फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है इस बाइक के लिए। इसमें आपको इको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जिससे आपको बाइक का फ्यूल इकोनॉमी का पता चल जाएगा। 125 गाड़ी है। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज डिस्प्ले भी दिखाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रियल टाइम माइलेज कितना बाइक दे सकती है। ये अभी आपको 65 दिखा रहा है रियल टाइम माइलेज, ये आपको बढ़ भी सकता है, जैसे ये 70 भी दिखाने लगा। 65 से 70 गाड़ी देगा मोटरसाइकिल वाला। देख सकते हैं आप लोग कैसे माइलेज बढ़ते जा रहा है। एसपी 125 पसीसी एसपी मॉडल डिस्प्ले टू एमपीटी, कितना इसमें पेट्रोल बचा है, कितना डिस्टेंस कवर करने में, ये भी आपको दिखा रहा है। 600 किलोमीटर पर लीटर। इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गियर में। इसमें आपको सर्विस ड्यूटी इंडिकेटर मिलेगा। बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल ग्राफिक्स की, तो इसके ग्राफिक्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा ब्रॉडर ग्राफिक्स दिया गया विद सिल्वेनियन लाइन के तहत में। ये सिल्वेनियन लाइन जो है ये अमेरिका से पेटेंट लिया गया है, जिससे आपकी गाड़ी जो है एकदम न्यू ग्राफिक्स में न्यू एज गाड़ी लगेगी, जिससे आप लगेगी ये 20 फ्यूचरिस्टिक बाइक है। बात कर लेते हैं एसपी 125 बाइक के ग्राफिक्स के बारे में, तो इसमें आपको काफी एजिंग ग्राफिक्स दी गई विद अट्रैक्टिव सिल्वेनियन लाइन, जो काफी अट्रैक्टिव लगता है अपने लुक्स को लेकर। और दोस्तों, इसमें आपको फ्रैंक श्राउड्स भी दे रखे हैं, जो काफी प्रीम लगते हैं और ये स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं, जो कि एसएफपी 125 में आपको दे दिया भरा रहता है। तो बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की, तो इसमें आपको जो फ्रंट में टायर मिलता है 2/75/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है दोस्तों। अब सुपर स्प्लेंडर में आपको ट्यूबलेस टायर की सुविधा मिल गई है दोस्तों, और इसको जो रियर टायर मिलता है 3/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है दोस्तों। इसमें आपको फ्रंट में आपको दोस्तों डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विद आपको IBS टेक्नोलॉजी। इसमें आपको हेलोजन टेल लाइट मिलता है, जो एलईडी नहीं है, हेलोजन है, लेकिन काफी अट्रैक्टिव है। फ्रंट और रियर में आपको जो एलॉय व्हील्स हैं उसके जो डिजाइन है वो चेंज कर दिए गए, या अपने लुक्स को काफी अट्रैक्टिव और इनहेंस बनाते हैं और स्पोर्टियर बाइक कहलाते हैं। रियर में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो 80x80 सेक्शन का आता है दोस्तों। इस बाइक के साइलेंसर में आपको मफलर क्रोम का कवर मिलता है, जो काफी प्रीमियम है और इसकी बाइक की क्वालिटी बढ़ा देता है। इसमें आपको इंजन ट्विल स्विच इंटीग्रेट कर दिया गया है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये साइन कहीं ना कहीं आगे निकल रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके बैक लाइट की, इसके में जो आपको बैक लाइट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया दोस्तों। जो बैक लाइट है उसको थोड़ा बाहर इनक्लोज करके रख दिया गया है, जिससे आपकी जो बाइक लगती है पीछे से वो लगती है NXG गाड़ी, जो बहुत पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी। NXG जैसा लुक देता है इसका जो बैक लाइट है। फाइनली इस वीडियो के कंपैरिजन का विनर है होंडा एसपी 125 BS6, क्योंकि इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स, इक्वलाइजर ब्रेकिंग सिस्टम और ज्यादा फीचर्स के साथ आती है इसमें फुल डिजिटल में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट BS6 कंपैरिजन और BS6 बाइक की वीडियो मिलती रहे।